हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है सिमर वसन चैनल। मित्रों अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर खबर आपके मोबाइल में होगी। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं भाजपा पार्टी लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर से किसे चुनना चाहती है। बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव के लिए चार नेता संघर्ष कर रहे हैं। श्री कर्नल सोनाराम चौधरी जो वर्तमान में बाड़मेर जैसलमेर से सांसद हैं, दूसरे हैं प्रताप पुरी जी जो भाजपा से बाजी लगाना चाहते हैं और उन्होंने पोखरण से भी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था, और तीसरे श्री बालाराम चौधरी केएफसी सीटी से। यह लोकसभा चुनाव में आने वाले लोकसभा चुनाव में बाजी लगाना चाहते हैं और इनमें से कौन होगा हिट। हो सकता है कि कर्नल सोनाराम चौधरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर कूद पड़े, लेकिन ऐसा कतई हो नहीं सकता है। लेकिन शायद कर्नल सोनाराम चौधरी की जब मन में हो जाए कि उधर जाना है तो वो उधर चले जाएंगे। बाकी पिछड़े चौथे और अंतिम श्रीमान कैलाश चौधरी जो बायतू से विधायक थे और उन्होंने 42,000 आसपास वोट विधानसभा चुनाव में बायतू से प्राप्त किए थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की होने वजह से कैलाश चौधरी के वोट उधर से टूट पड़े और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी 42,000 के आसपास वोट मिले, लेकिन विजय नहीं हो पाई। बायतू में वर्तमान हरीश चौधरी विधायक हैं और जो राजस्व मंत्री भी हैं। तो हम मित्रों बात कर रहे थे भाजपा की पार्टी की। भाजपा पार्टी में चार जने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका संघर्ष किसकी ओर होगा और भाजपा किससे सुनेगी यह अभी तक आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए हम चलते हैं।